हाय ऑल द अबंडेंस फैमिली मेंबर, रियली हैप्पी कि हम इस पावर ऑफ अबंडेंस फैमिली का पार्ट है। ये आपका कमिटमेंट है अपने आप से कि यस, आप अपने लाइफ में अबंडेंस चाहते हो और आप रेडी हो उसके लिए 21 डेज अपना बेस्ट देने के लिए। इसमें से आज का डे फोर के लर्निंग के साथ आपको हेल्प करूंगी। आज की लर्निंग स्पेशली ऑडियो नोट के साथ है कि आप आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दें और चीज़ों को और गहराई से समझें। हमारे इस अबेंडेंस में भी ना ये बहुत मैटर करता है कि हमें कैसी आवाज़ आती है, हमारी इनर वॉइस क्या है, हम बाहर से क्या चीज़ों को सुनते हैं। आप कभी ऑब्जर्व करना, मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब हम परेशान होते हैं ना तो हमें सराउंडिंग में ना परेशानी वाली, पेन वाली, हर्ट करने वाली, टेंशन वाली, प्रॉब्लम वाली, चैलेंजेस वाली आवाज़ें आती। बट कभी ये भी देखना कि जब आप एक इनर पीस के साथ जुड़े हो, हैप्पीनेस के साथ जुड़े हो, एक सक्सेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो, यू आर लाइक अ वेरी सैटिस्फाइड ना, तो इसका रिजल्ट पता है हमें सराउंडिंग में मिलता है। एंड वी फील कि वाओ, सराउंडिंग के भी लोग हैप्पी है, दे आर लाइक शेयरिंग केयरिंग में हैं, दे आर लाइक वेरी हैप्पी वाले मूड के साथ, दे आर रेडी टू एक्सप्रेस, या सब कुछ अच्छा 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 हमें दिखता है। इसके पीछे सिंपल सा कनेक्शन क्या है, कॉमन फैक्टर तो यही है कि हम इंटरनली क्या ट्यून कर रहा है वो हमें बाहर की दुनिया में हम अट्रैक्ट करते हैं। इस छोटे से फॉर्मूले को ना इस अबंडेंस जर्नी में आप डीपली समझ लीजिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर का सॉन्ग क्या है। वो हैप्पी सॉन्ग है ना तो वेल एंड गुड, बट वो एक सॉन्ग जो हर बार सैडनेस, नमनेस या फिर कुछ ऐसे यादों से कनेक्ट करता है जहाँ पे बहुत पेन है, तो ये इतना ही बड़ा सच है कि हमें बाहर भी ना कुछ ऐसे ही फ्रिक्वेंसी के सॉन्ग सुनाई देंगे और फिर धीरे धीरे हमारा जो एक वे है फ्रिक्वेंसी वाला वो भी डाउन होता जाएगा। इफ़ यू बिलीव ऑन दैट तो क्यों नहीं एक अच्छा प्रॉमिस देते अपने आप से। हमें अंदर कुछ ऐसे सॉन्ग ट्यून करके रखता है जो एक एनर्जी दे। मैं चाहूँगी कि आज के लर्निंग के साथ ना आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने। क्या कर सकते हो आप, कभी आप जब खालीपन में बैठे हो ना तो चेक करिए ऐसे टाइम में क्या हो रहा है। आप लाइफ के दर्द को अट्रैक्ट कर रहे हो, प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो, या अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो, या सोल्यूशन के बारे में, क्योंकि ये चीज़ ना आपको एक बहुत प्यारा क्लियरिफिकेशन देगी कि यस हमें और क्या करना है। आई एम रियली हैप्पी कि अबेंडेंस जर्नी में ज़रूर आप जो चाह रहे हो अबेंडेंस, एक बार इसको देख भी ले हमारे अंदर के सिस्टम में वो अबेंडेंस कनेक्ट है या नहीं, हम सच्ची इनर वॉइस से चाह रहे या नहीं, या सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं। और सपोज़ इसको डीपली एक्सपीरियंस करना है ना तो आँख बंद करके थोड़ा साइलेंट बैठे एंड अंदर की चीज़ों को जब आप महसूस करोगे ना तो लगेगा कि एक अंदर से भी आवाज़ आती, उस आवाज़ को सुनिए, अपने आप से रिप्लाई दीजिए। आपको लगे कि वहाँ की फ्रिक्वेंसी चेंज करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको चेंज करिए, बिकॉज वो सिर्फ आपके हाथ में। मज़ा तो क्या है, अंदर की चीज़ें चेंज करते करते सराउंडिंग की चीज़ें चेंज हो जाएगी एंड फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि इस अबेंडेंस जर्नी के लिए हमने तो सिर्फ सोचा था और वो प्रैक्टिकली लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो गई। काम तो बेसिक है, उसके बाद तो मेहनत करनी है, बट ये ना एक एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टेप है कि ये डिसीजन हमारा हो कि लाइफ की जो म्यूज़िक है ना वो क्यों नहीं एक हैप्पीनेस के साथ, एक बहुत ही प्यारे ग्रैटिट्यूड के साथ हम कनेक्ट करें, और इसकी हैबिट हो जाए तो लाइफ जिंगा लाला, बिकॉज इट इज़ द सुपर 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 वाला कनेक्शन कि हम जो चाह रहे हैं वो होने लग जाए, अपॉर्चुनिटी आ जाए, ऐसे लोग एज अ मीडिएटर बन जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए, ऐसे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए एंड वी फील सो ब्लेस्ड। आई एम श्योर आज की लर्निंग आप जब सुन रहे हो ना मेरे साथ तो अंदर से आपकी भी आवाज़ कुछ ना कुछ बोल ही रही होगी, जहाँ पे आपको मुझे भी सुनना है, अंदर की आवाज़ को भी सुनना है, तो क्यों नहीं मेरे इस वंडरफुल लर्निंग के साथ आप ना थोड़ा अपने इनर वॉइस को टाइम दीजिए। और इसी के साथ जो जो एक इनर वाला आपका थॉट था, आपका जो प्लानिंग था, जो भी एक हैप्पीनेस था, उसको सोचने के बाद ना लिख के रखिए। बट गलती से कुछ कन्फ्यूजन है, कॉन्फिडेंस वीक लग रहा है, होगा नहीं होगा ऐसी आवाज़ें है ना, तो उसको प्लीज़ चेंज करो, उस ट्यूनिंग को चेंज करो। और आप अपनी अबेंडेंस लाइफ की शुरुआत कैसे करना चाहते हो उसको अपने पहले इंटरनल इनर वॉइस से यानी अपने बिलीव से मैच करो। एक बार ये बिलीव मैच हो गया ना, बिलीव मी इट्स श्योर कि ये फ्रिक्वेंसी आपको एक बहुत प्यारा हैप्पीनेस, सक्सेस और इस अबेंडेंस के साथ जुड़ेगी। तो रियली हैप्पी, इन्जॉय योर डे 4। थैंक यू सो मच, बाय बाय।